हाँ माँ, बिंदिया जी को पूरा हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, पर उन्हें अपने हक का फैसला लेने का भी तो हक है ना। माँ, हम लोग किसी पे ऐसे फैसला थोप थोड़ी ना सकते हैं। तुम मुझे अभी ज्ञान दे रहे हो बेटा, जब मैं तुम्हारी और बिंदिया की शादी के सपने संजो रही तब तुम सो रहे थे क्या? नहीं माँ, आप नाराज मत होइए, प्लीज आई एम सॉरी, मैं बताने ही वाला था। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि जैसे ही हम चिरैया से वापस आएंगे ना, सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, लेकिन माँ मौका ही नहीं मिला, आई एम सॉरी, प्लीज माँ। चलो अच्छा है, मान लिया। एक बात सच सच बताओगे? हाँ माँ, पूछिए ना। सच सच बताओ हमें बेटा, क्या तुम बिंदिया को पसंद नहीं करते? ये अब कैसी बातें कर रही हो माँ? कभी कभी आप ना बच्चों जैसी हरकतें करती हैं। अगर बिंदिया जी ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो इन सब बातों का क्या फायदा? मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है माँ, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि इस बात पे चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। माँ हूँ मैं तुम्हारी, जो तुम नहीं कहते हो ना वो भी हम सुन लेते, तुम्हारी आंखों में पढ़ लेते हैं, और जो हमने सुना और पढ़ा उसके आधार पर तो हम यही कहते कि तुम भी बिंदिया को पसंद करते हो। सॉरी, वैसे एक बात बोले, आई फील बैड फॉर यू, आई मीन इट्स सो सैड। बिंदिया ने तुम्हारे जैसे प्रिंस चार्मिंग को ठुकरा दिया, अब तुम क्या करोगे सैम? यू नो व्हाट पल? पल? क्यों? मैं तुम्हें प्यार से पल बुलाऊं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो माय डियरेस्ट पल, पता है मैंने ना अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूं। क्यों? क्योंकि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि कृष के हाथ से कौन सा लड्डू छीनूं, बाएं वाली या फिर दाएं वाली। तुम भी ना। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। शैतान किसको बोला बे? और तू है शैतान का बाप, समझा? टेक इट इजी ब्रो, तू इतना हाइपर क्यों हो जाता है? मैं तो बस एक कहावत बोल रहा था, तू उसका लिटरल मीनिंग पे क्यों जा रहा है? I mean, मैंने बस तेरा नाम लिया और तू अचानक से प्रकट हो गया, इसलिए बोल दिया, है ना? पल? No, I mean, पायल। वो नाम क्यों ले रहा था हमारा? अब तुम्हारा नाम थोड़ी ले रहा था, वो तो बिंदी का नाम ले रहा था। उसने खुद कहा कि वो हमारा। हाँ तो वो कोई सत्यवादी है? हाँ, वो तुम्हें इंस्टिगेट करके झूठ बोल के चला गया। अच्छा, पर तुम्हें क्या लगता है कि बहुत बड़ा कॉमेडियन है वो? अब नहीं, क्यों? क्योंकि तुम इतना दांत निकाल कर हंस क्यों रही थी उसके साथ? हम हंस थोड़ी रहे थे कृष, तुम भी ना, हम तो बस इस बात से हैरान थे कि उसकी जुबान पे ना अभी भी बिंदी का नाम है। लेकिन बिंदिया ने तो उसके साथ शादी करने के लिए मना कर दिया, फिर क्यों पड़ा है वो पीछे उसके? कृष, कभी कभी लड़कियों की ना नाम में भी हाँ छुपी होती है,
क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहे हम, हम वही कह रहे हैं जो दिखाई दे रहा है कृष। अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा है बताओ? वही जो तुम देख के भी तुम देखा कर रहे हो। देखो कृष, बिंदिया चाहे माने या ना माने, लेकिन आग ना दोनों तरफ से लगी है। सैम और बिंदी की केमिस्ट्री देखी है तुमने? अभी अभी मिले, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ऐसे करते जैसे जन्मों से जानते हो। आई डोंट केयर। हमने अगर सैम और बिंदिया की केमिस्ट्री में आग ना लगा दी तो हमारा नाम कृष नहीं। हम बड़ी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, पर क्या करें समझी, बड़ी माँ को रोकना बहुत जरूरी था। हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं बिंदिया जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? इनफैक्ट माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलती मेरी है, मैं सही समय पे माँ को समझा नहीं पाया। ये सोचकर ही तो हमें आप पे गुस्सा आया था। आई नो बिंदिया जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर आप प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और जरा सा मुस्कुरा दीजिए। आई प्रॉमिस मैं माँ को संभाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्माइल कीजिए ना प्लीज बिंदिया जी। आपको पता है आपकी स्माइल वर्ल्ड की बेस्ट स्माइल, बिल्कुल एक भोले भाले प्यारे बच्चे की तरह। बिंदिया जी, इतनी तारीफ कर दी मैंने आपकी, थोड़ी तो स्माइल कर दीजिए प्लीज। थोड़ी और, थोड़ी और। ये हुई ना शेरनी वाली बात। कृष्णा, क्यों आसमान सर पे उठाया हो बेटा? बिंदिया ने कहा ना कि प्रेजेंटेशन देख लो, उसके बाद दिमाग में जो भी सवाल है वो तुम कर सकते हो। वाह भाई वाह बलदेव जी। अरे पहले पूछने से पहले इनको शर्म आ रही थी। शर्म करो हिंदू, हर बिजनेस में हर जगह तुम्हारा नाम है, एक जगह हमारा नाम क्या हो गया? तुम्हारा तो कलेजा ही फटने लगा। अरे तो फटेगा नहीं, जबरदस्ती घर में घुसा है वो। बिना बुलाए नहीं आए हैं हम, देवर जी ने बुलाया है हमें। प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए, हम बताते हैं अभी। तू क्या बताएगी? हाँ, ये सब किया धरा तेरा ही तो है। तूने जानबूझकर ऐसा नाम रखा ना जिसे मम्मी जी को हर्ट हो। मम्मी जी से बदला लेना चाहती है ना तू? पल्लू, माँ से कोई बदला नहीं लिया जाता। और दूसरी बात, इस नाम में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे माँ जी को बुरा लगे। आप लोग एक बार प्लीज देख लीजिए। सिर्फ बड़ी माँ, माँ जी, समय जी, कृष्णा जी के नाम पर नहीं है ये व्यापार, हम सबका है, इस पूरे परिवार का है। माँ जी, इस व्यापार में तो समय जी और कृष्णा जी दोनों ही पार्टनर है ना। भले ही दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से बहुत अलग है, पर एक चीज है जो इन्हें एक बनाती है, शुक्ला। बस इसलिए हमने वो नाम सोच कर रख लिया था। देख लिया ना किसना बेटा, तुम छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हो और बिंदिया और समय ने इतनी बड़ी बात सोच ली। बेटा तुम दोनों सही में सच्चे पार्टनर्स हो। हाँ हाँ, पार्टनर क्यों नहीं होंगे, कपड़े देखो दोनों के, ऐसा लग रहा है लोगों खुद चलकर आया। कम ऑन यार, खुद तो तेरे पास कोई आइडियाज नहीं और दूसरों के माइंड ब्लोइंग आइडियाज पर सवाल उठा रहा है। माइंड ब्लोइंग आइडिया, माई फुट। सच में ये वो जोड़ी है जो पत्थर में भी रास्ता बना सकती है। भगवान इस जोड़ी को हमेशा बनाए रखे।
कंग्रेचुलेशंस बिंदिया, कंग्रेचुलेशंस सैम। बिंदी चाहे जो मर्जी कहे, पर पापा जी, अम्मा और बड़ी माना सैम और बिंदी की जोड़ी बनाकर रहेंगे।